आज दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के मसले पर सुनवाई करेगा। जहां पिछले हफ्ते कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी, तो वहीं दिल्ली में एयर प्यूरिफायर टावर लगाने पर योजना बनाने के लिए भी कहा था। तो जिस तरह से दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर साल दर साल बढ़ता ही चला जा रहा है, खतरनाक स्थिति पर पहुंचता चला जा रहा है, उसको लेकर जब कुछ फैसले लिए गए और उसके बावजूद भी कोई यहां पर राहत की खबर नहीं मिली, तो उसके बाद दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार और पूछे गए थे कि क्या इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में एयर प्यूरिफायर टावर लगाने पर योजना की बात भी की गई थी, उसको बनाने के लिए भी कहा गया था। तो आज उस पर एक अहम सुनवाई प्रदूषण के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज करने वाला है। दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से लगातार प्रदूषण का स्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया था, तो उस पर चिंता को जाहिर किया गया था और फटकार लगाई गई थी, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर को, न सिर्फ केंद्र सरकार को, न सिर्फ राज्य सरकार को, बल्कि यूपी की सरकार और उसके साथ ही पंजाब और हरियाणा की सरकारों को भी यहां पर फटकार लगाई गई थी और पूछा गया था कि आखिरकार लगातार साल दर साल प्रदूषण का जो लेवल है वो खतरनाक स्थिति पर क्यों पहुंच रहा है और आखिरकार उसके लिए इंतजाम क्या है, व्यवस्थाएं क्या है। तो आज इसी मसले पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण का लेवल बढ़ा है, पिछले हफ्ते केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को, दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी और दिल्ली में एयर प्यूरिफायर टावर लगाने पर योजना बनाने के लिए भी कहा था, और उसी पर आज जवाब यहां पर शायद लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि आखिरकार तब से लेकर अब तक क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं।